भारत और कनाडा में इन दिनों तनाव चरम पर है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा और भारत आमने सामने आ गए हैं। वहीं कनाडा में स्थित खालिस्तानी आतंकी वहां मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और देश छोड़कर चले जाने को कह रहे हैं। बता दें कि कनाडा की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है। 2021 की जनगणना में कनाडा में सिखों की आबादी लगभग 7,70,000 थी, जो कि कनाडा की कुल आबादी का लगभग 2.1% है। वैसे बता दें कि कनाडा में भारत वंशियों की कुल आबादी लगभग 15 लाख है। कनाडा में सिखों की संख्या जितनी ही हिंदुओं की भी संख्या है। वैसे यहां बताना जरूरी है कि कनाडा में खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले सिखों की संख्या बेहद कम है। कनाडा के प्रांतों की बात करें तो यहां ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, अल्बर्टा, ओंटेरियो, यूकेन, सस्केचवान में सिखों की आबादी है। हाल ही में खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं भी खालिस्तानी अंजाम देते रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों और हिंदुओं की टकराव की खबरें भी सामने आती रहती हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें खालिस्तानियों को जाट हिंदुओं ने खदेड़ दिया था। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने भी खालिस्तानियों पर बयान देते हुए कनाडाई हिंदुओं को सावधान रहने को कहा है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य का भाषण सुनिए। कुछ दिनों पहले कनाडा में खालिस्तान आंदोलन के नेता और तथा कथित जनमत संग्रह का आयोजन करने वाले सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदू कनाडाई लोगों पर हमले की धमकी दी है और उन्हें कनाडा छोड़कर भारत वापस जाने को कहा है। आर्य ने वीडियो में यह भी कहा कि मैंने कई हिंदू कनाडाई लोगों को सुना जो इस हमले से डरे हुए हैं। मैं हिंदू कनाडाई लोगों से शांत और सतर्क रहने का आग्रह करता हूं। कृपया हिंदू फोबिया की किसी भी घटना की सूचना स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दें। उन्होंने आगे कहा कि खालिस्तान समर्थक नेता हिंदुओं को उकसाने में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कनाडा में रहने वाले ज्यादातर सिख भाई बहन खालिस्तान आंदोलन का समर्थन नहीं करते। अधिकांश सिख कई कारणों से खालिस्तान आंदोलन की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदू कनाडाई समुदाय से गहराई से जुड़े हुए हैं। खालिस्तानी हिंदू और सिखों को बांटने में लगे हैं। कनाडा में खालिस्तानी भले ही सरकारी संरक्षण में फल फूल रहे हों, लेकिन वहां बड़ी संख्या में मौजूद सिख समुदाय की आबादी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। हिंदू तो खैर खालिस्तानियों के निशाने पर है ही, लेकिन खालिस्तानियों का खुलकर विरोध भी शुरू हो गया है। कनाडा में हिंदुओं पर हमले की धमकी देने वाले खालिस्तानी शायद भूल गए हैं कि भारतीय लोग अपने देश के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनते, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या किसी भी मजहब को मानने वाले। ऐसे में खालिस्तानियों ने हिंदुओं को धमकी देकर अपने अंत को न्योता दे दिया है। खालिस्तानियों का सफाया जारी है और भारत सरकार के रुख से लगता है कि वो अब खालिस्तानियों के खिलाफ आर या पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है। टाइम्स नाउ नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।